हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ग्रामर टॉपिक क्रिया विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडवर्ब बोलते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ उदाहरण लेते हैं। देखिए, मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं। पहला है, लड़का तेज दौड़ता है, वह प्रतिदिन मंदिर जाती है, माता जी भीतर बैठी हैं, वह बहुत खाता है। इन वाक्यों में देखिए, क्रिया दौड़ता है, जाती है, बैठी है, खाता है, ये सारी क्रियाएं हैं। और कुछ शब्द जो मैंने रेखांकित किए हुए हैं, ये शब्द क्रिया के बारे में बता रहे हैं। क्रिया के बारे में क्या बता रहे हैं? सबसे पहले है, लड़का तेज दौड़ता है। जो तेज शब्द है या क्रिया के बारे में बता रहा है कि क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया कैसे हो रही है। ये कैसे का हमें उत्तर देगा, अगर हम कैसे लगाकर इसका प्रश्न बनाए, लड़का कैसे दौड़ता है, तो इसका उत्तर आएगा हमारे पास तेज। तो नेक्स्ट है, वह प्रतिदिन मंदिर जाती है। तो यहाँ पर प्रतिदिन क्या बता रहा है क्रिया के बारे में? रेखांकित किया हुआ है मैंने शब्द प्रतिदिन, यहाँ पर यह क्रिया के समय के बारे में बता रहा है, क्रिया के समय के बारे में कि क्रिया कब होती है, क्रिया कब हो रही है, प्रतिदिन। तो माता जी भीतर बैठी हैं, यहाँ पर क्या बताया हुआ है, कहाँ का उत्तर दिया हुआ है, माता जी कहाँ बैठी हैं, तो यहाँ पर क्रिया के लिए बताया हुआ है कि क्रिया कहाँ हो रही है। यहाँ पर बताया हुआ है क्रिया की मात्रा, कि क्रिया वह बहुत खाता है, कितना खाता है, क्रिया के बारे में बताया हुआ है कि कितनी क्रिया हो रही है, क्रिया की मात्रा के बारे में। तो ये सभी शब्द जो हैं हमें क्रिया के बारे में बता रहे हैं कि क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया कब हो रही है, क्रिया कहाँ हो रही है, या क्रिया कितनी हो रही है। क्रिया के बारे में ये सारी बातें बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ये सारे क्रिया विशेषण शब्द हैं। तो इन्हें आगे हम परिभाषा द्वारा समझेंगे। परिभाषा देखिए इसकी, जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब विकारी और अविकारी आप पहले कर चुके हो। विकारी और अविकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक या फिर काल के प्रभाव से विकार आ जाता है या फिर परिवर्तन आ जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, विकारी शब्द। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं, जो कि क्रिया विशेषण ये जो सारे हैं ये अविकारी शब्द हैं। तेज, प्रतिदिन, भीतर, बहुत, ये क्या है, अविकारी शब्द। क्रिया विशेषण जो होते हैं अविकारी शब्द होते हैं, जिन्हें अव्यय भी बोलते हैं। अविकारी शब्द बेटा वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक या फिर काल के प्रभाव से कोई विकार नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं आता, उनका रूप परिवर्तन नहीं होता, उनका रूप नहीं बदलता, वे वैसे के वैसे ही रहते हैं। चलिए इसे उदाहरण देकर समझाती हूँ मैं। जैसे फर्स्ट हमारा वाक्य था, लड़का तेज दौड़ता है। यहाँ पर अगर मैं कर दूं लड़की, यहाँ पर लड़का का लड़की कर दूं, यानी संज्ञा का रूप बदल दूं, संज्ञा जैसे पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग कर दूं यहाँ पर लड़की, तो यहाँ पर क्रिया दौड़ती हो जाएगा, तो क्रिया में विकार आ जाएगा। तो यानी ये विकारी शब्द है, क्रिया विकारी शब्द है, संज्ञा विकारी शब्द है, लेकिन जो तेज है ये नहीं बदलेगा, तेज शब्द वैसे ही रहेगा, इसका रूप नहीं बदलेगा। जैसे लड़का तेज दौड़ता है, लड़की तेज दौड़ती है, या फिर इसको मैं बहुवचन कर दूं लड़के, लड़के तेज दौड़ते हो जाएगा, क्रिया में विकार आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन तेज वर्ड, तेज शब्द जो है फिर भी वैसे का वैसा ही रहेगा। तो इस तरह से लिंग में आप देख लीजिए, चाहे वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या वचन में देख लीजिए, एक वचन है, बहुवचन है, कुछ भी हो, उसका रूप नहीं बदलता, तो ये क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द। जैसे लड़का तेज दौड़ता है, लड़की तेज दौड़ती है, लड़के तेज दौड़ते हैं, तो तेज शब्द नहीं बदल रहा, तेज वैसे का वैसा रहेगा, इसका रूप नहीं बदलता, इसमें कोई विकार नहीं आता। तो इस तरह ये क्या हुए, अविकारी शब्द, तेज, प्रतिदिन, भीतर, बहुत, ये सारे जो क्रिया विशेषण है अविकारी शब्द होते हैं। तो आई होप आपको परिभाषा अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और इसकी उदाहरण भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम करेंगे क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
पहले हम करते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने की रीति या ढंग के बारे में बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि हमने वाक्य किया था लड़का तेज दौड़ता है, यहाँ पर ढंग बताया गया है क्रिया का कि क्रिया कैसे हो रही है, तेज, तो लड़का तेज दौड़ता है, तेज क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। या फिर धीरे धीरे, वह धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे क्या हुआ? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। या फिर जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी काम करो, या है ध्यान पूर्वक सुनो, तो ध्यान पूर्वक क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, या क्रिया विशेषण के ढंग या फिर विधि के बारे में हमें बता रहा है कि क्रिया जो है कैसे हो रही है। आगे है कालवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के होने के समय का बोध करवाते हैं। जो अविकारी शब्द क्रिया के होने के समय का बोध करवाते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अभी, आज, कल, तुरंत, अब, या फिर हमने यहाँ पर ली थी उदाहरण, वह प्रतिदिन मंदिर जाती है, तो यहाँ पर समय के बारे में बताया गया है कि कब जाती है मंदिर? प्रतिदिन। तो यहाँ पर भी अभी, वह अभी अभी आया है, अभी आया है। आज, वह आज आएगा। कल, वह कल आएगा। तो इस तरह से ये क्या है? सारे कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध करवाते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहां, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, ये स्थान के बारे में या फिर दिशा के बारे में बता रहे हैं कि क्रिया कहाँ पर हो रही है, कहाँ। इसमें हमें कहाँ से प्रश्न लग करेंगे तो उसका उत्तर मिलेगा, वह क्या होगा? वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे यहाँ बैठिए, वहां जाइए, इधर आइए, तो ये क्या हुए? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया के स्थान के बारे में हमें बता रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया के परिमाण के यानी मात्रा के बारे में बताते हैं कि क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है, कितना परिमाण है उसका, परिमाण या फिर मात्रा के बारे में बताते हैं उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम, अधिक, काफी, थोड़ा, यहाँ पर हमने क्या उदाहरण ली थी? वह बहुत खाता है। यहाँ पर कितना का आंसर मिलेगा हमें? कितना खाता है? बहुत खाता है। तो बहुत क्या हुआ? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। या फिर कम, वह कम बोलता है, तो कम क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अधिक, अधिक, वह अधिक काम करता है, तो ये क्या हुआ? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इस तरह से रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के ये चार भेद होते हैं। आई होप बच्चों आपको क्रिया विशेषण की परिभाषा और इसके भेद अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।